हेलो एवरीवन, हितेश हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी एंट मैन एंड द वास्प। ये मूवी एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 20th मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी को आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है और इसके पीछे कुछ पर्सनल रीजंस थे। वो सभी का खुलासा मैं इस मूवी के एंड में आपके साथ ज़रूर करूँगा। तो चलिए आते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत इस कहानी के फ्लैशबैक से होती है, यानी कि 1988 में, जहां हमें दिखाए जाते हैं हैंक पिन, उनकी वाइफ जैनेट वेन और उनकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम होता है होप वेन। हालांकि अभी होप वेन सिर्फ और सिर्फ 6 साल की है। यहां हमें पता चलता है कि वो दोनों किसी एक छोटे से मिशन के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं, और तब हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअली शील्ड के लिए ही काम कर रहे होते हैं और वो एक सीक्रेट मिशन पर होते हैं, जहां पर उन्हें एक मिसाइल को एक शहर पर गिरने से रोकना होता है। उस मिसाइल का साइज़ इतना बड़ा होता है तो वो उसे रोकने के लिए अपने आप का साइज़ छोटा करके उसके कंपोनेंट्स को ख़राब करके मिसाइल को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं। ये काम हालांकि करना तो हमारे हैंपिंग को था, लेकिन उनका रेगुलेटर उस मूवमेंट पर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जैनेट अपने आप का साइज़ इतना छोटा कर लेती है जिससे वो मिसाइल को तो डिसेबल कर देती है, लेकिन इतना छोटा हो जाने की वजह से वो सीधा क्वांटम फील्ड में पहुंच जाती है, जहां पर समय का कुछ भी अता पता नहीं रहता। वहां पर कोई भी समय, कोई भी दबाव, कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन होता है। अब इस बात को कम्प्लीटली 30 साल बीत गए होते हैं और वापस से स्टोरी हमारे प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हमें ये सब कुछ दिखाया जाता है कि अब हैंपिंग ये सारी बातें अपनी बेटी होप वेन को बता रहे होते हैं, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एक मोमेंट पर जब स्कॉट लैंग येलो जैकेट सूट से लड़ रहा होता है तो उसे मारने के लिए वो भी अपने आप का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लेता है और वो भी सीधा पहुँच जाता है क्वांटम फील्ड में, लेकिन वो अपने रेगुलेटर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रिवर्स में ले लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से वापस इस दुनिया में आ जाता है। तो अब अगर वो ये काम कर सकता है तो जैनेट भी डेफिनेटली ये काम कर सकती है, लेकिन लगता है कि शायद उसे सही सिग्नल और सही लोकेशंस नहीं मिल पा रही। दैट्स वाई अभी तक जैनेट हमारे पास में वापस नहीं आई है। तो क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं, उस पर काम करें जिससे वो मशीन बन जाए और हम क्वांटम फील्ड में जाकर जैनेट को फिर से वापस लेकर आ सकें। वहीं पर कहानी शिफ्ट होती है इस कहानी की मेन कैरेक्टर स्कॉट लैंग पर, जो कि अपनी बेटी कैसी के साथ में मिलकर लुका छुपी का गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन गेम खेलती खेलती गलती से स्कॉट का पैर अपने घर से बाहर निकल जाता है और उसका अलार्म सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है, और तभी उस मोमेंट पर FBI आ जाती है और वहाँ पर स्कॉट लैंग को चेक करने लगती है कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं निकला। तब वहाँ पर कैसी पूछती है कि आखिर आप लोग मेरे पापा को परेशान क्यों कर रहे हैं। तब वहाँ पर FBI का एक मेन एजेंट आकर पूरी कहानी उस बच्ची को बताता है। वो कहता है कि सकोविया अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे एवेंजर्स को अब आपस में यूनाइट होने के लिए मना कर दिया गया है, और जो भी अब ऐसा करेगा तो उन पर यूनाइटेड नेशन कार्यवाही करेगी। और इसी के चलते एंटमैन भी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका से मिला हुआ था, जिसे कि यूनाइटेड अकॉर्ड्स पर साइन करने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। इसकी वजह से अब स्कॉटलैंड 3 सालों तक होम अरेस्ट पर है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन और बचे हैं स्कॉटलैंड की इस 3 साल की होम अरेस्ट को कम्प्लीट होने में। तो अब अगर 3 दिनों तक ये कहीं और बाहर नहीं जाएगा तो अब फिर वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। ये कहकर FBI एजेंट वहाँ से चला जाता है, और उसी मोमेंट पर वहाँ पर मैगी और साथ ही ब्रेंडन भी आ जाते हैं, और वो कैसी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक छोटी सी आउटिंग के लिए बाहर जाना है। अब क्योंकि स्कॉट के पास में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होते हैं अपनी रिहाई के लिए, तो वो इन 3 दिनों को दिल से एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी सारे गेम्स खेलता है, ड्रम बजाता है, डांस करता है और अपना टाइम फुल्ली स्पेंड करने की कोशिश करता है। और तभी वो बाथटब के अंदर बैठा होता है, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि एक अलमारी के अंदर एक छोटी सी बच्ची छुप रही है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो एक औरत होता है, यानी कि वो अपने आप का शरीर एक औरत के अंदर पाता है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, और तब उसे लगता है कि वो औरत और कोई नहीं थी, वो थी जैनेट वेन। ये बातें उसे थोड़ी सी अजीब लगने लगती है। इन सभी बातों को बताने के लिए वो सीधा हैंपिंग को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि आज मैंने एक सपना देखा, उस सपने में शायद मैंने आपकी पत्नी जैनेट वेन को देखा। ये सुनते ही वहाँ पर हैंपिंग और साथ ही होप वेन बिल्कुल शॉक से हो जाते हैं, और ये कहकर वहाँ पर स्कॉटलैंड फ़ोन काट देता है। अगले दिन जब स्कॉट की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे किडनैप कर दिया गया है होप वेन के थ्रू। होप उसे एक कार में बिठाकर अपने पास में ले जाती है,
तब वहाँ पर स्कॉट की नींद खुलती है और वो वहाँ पर होप से पूछता है कि अब मैं अगर तुम्हारे साथ में हूँ तो आखिर घर पर कौन है। क्योंकि मुझे तो होम अरेस्ट पर रखा गया है। तब वहाँ पर होप कहती कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना एक एजेंट छोड़ रखा है जो कि सेम टू सेम सारी तुम्हारी प्रक्रिया करता है। उसने तुम्हारा पूरा रूटीन कॉपी कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। FBI को ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी भी होम अरेस्ट पर हो मगर तुम हमारे साथ काम करोगे। तब वहाँ पर स्कॉट पूछता है कि आखिर तुमने मुझे अगवा क्यों किया है। तब वो सभी पहुंच जाते हैं उस लेबोरेटरी के अंदर। तब वहां पर हैम्पिंग बताते हैं कि जब तुम्हें वो सपना आया उसके जस्ट 5 मिनट पहले मैं इस क्वांटम फील्ड की मशीन पर ही काम कर रहा था। मैंने इसका दरवाजा खोला लेकिन इस मशीन के ओवर पावर हो जाने की वजह से ये मशीन बंद पड़ गई थी। लेकिन ये मशीन सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही चालू तो जरूर हुई थी और जस्ट उसके 5 मिनट बाद तुम्हारा कॉल आना और तुमने मुझे ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपकी बीवी को देखा। तो हो ना हो ये सारी बातें कनेक्ट होकर ये बताती है कि जेनेट अभी तक जिंदा है और मैं उसे वापस इस दुनिया में लाकर ही रहूंगा। लेकिन मुझे जरूरत है तो तुम्हारे उन्हीं ख्यालों की। मुझे एग्जैक्ट बताओ कि तुमने वहां पर उस क्वांटम फील्ड के अंदर क्या क्या देखा। जब तक तुम मुझे ये नहीं बता पाओगे तब तक मैं जेनेट को फिर से लाने के अंदर असमर्थ हूं। वहां पर स्कॉट उस देखे गए सपने को पूरी तरीके से हैम्पिंग को बता देता है और वो फिर से अपने मशीन पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि मशीन हर बार ओवर पावर हो जाने की वजह से बंद पड़ जाती है, इसे एक कंट्रोलर की जरूरत है। तब वो दोनों को पता चलता है कि ये कंट्रोलर तो सिर्फ एक ही जने के पास में मिल सकता है जिसका नाम है सनी बुज। वो दोनों मिलकर सीधा सनी बुज के पास में जाते हैं उस कंट्रोलर डिवाइस को लेने के लिए। लेकिन तब वहाँ पर सनी बुज उनसे कहता है कि मैं इस कंट्रोलर डिवाइस को तुम्हें तभी दूंगा जब तुम उस पूरी लैब को मेरे साथ में बेचने का वादा करो। मेरे पास में एक खरीदार है जिसकी बोली स्टार्ट होती है 700 मिलियन से। अगर तुम चाहो तो ये डील हो सकती है लेकिन मुझे इस लैब की ज़रूरत है। लेकिन तब वहाँ पर होपमैन वहाँ से निकल जाती है उस डिवाइस को बिना लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से अपने एंटमैन एंड द वास्प सूट के अंदर आती है और उन सबकी बैंड बजा देती है और वहाँ से वो डिवाइस लेकर निकलने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि होती है घोस्ट। घोस्ट वहाँ पर आकर उनका रास्ता रोकती है और उस डिवाइस को खुद ही लेकर भाग जाती है। घोस्ट के अंदर ये शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है और वहाँ पर वेन के पास में भी ये शक्ति होती है कि वो अपने शरीर को बार बार छोटा कर सकती है और बड़ा कर सकती है। यहाँ तक अब हैंक पिम ने वेन के सूट के अंदर एक पंख भी लगा दिए होते हैं और साथ ही प्लाज्मा ब्लास्टर भी लगा दिया होता है। उन दोनों के ही बीच में एक शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसी बीच वहां पर घोस्ट अपने दिमाग का यूज करते हुए वो कंट्रोलर डिवाइस और साथ ही उस छोटी सी लैब को अपने साथ में लेकर वहां से निकल जाती है। इस बात से हैंगपिंग काफ़ी परेशान होते हैं। फिर हैंगपिंग, स्कॉटलैंग और साथ ही होपवेन तीनों मिलकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम लैब और साथ ही इस कंट्रोलर डिवाइस को वापस कैसे लेकर आ सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हैंगपिंग वहां पर अपने एक पुराने साथी का नाम लेते हैं जिसका नाम होता है बिल फॉस्टर। वो बताते हैं कि बिल फॉस्टर किसी टाइम पर उनका एक असिस्टेंट हुआ करता था जो कि क्वांटम थ्योरीज पर ही उन्हीं के साथ में काम किया करता था। तो क्यों ना हम उससे जाकर मिले, क्या पता शायद वो हमारे इस काम में हमारी मदद कर सके। वो तीनों मिलकर एक कॉलेज में पहुंचते हैं जहां पर बिल फॉस्टर क्वांटम थ्योरीज के ऊपर एक लेक्चर दे रहे होते हैं। जैसे बिल फॉस्टर वहां पर हैंपिंग को देखते हैं वो वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और फिर सभी मिलकर एक कैबिन में बैठकर उस पूरी की पूरी लैब के ऊपर अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। तब वहां पर एंटमैन फॉस्टर जब तीनों बिल फॉस्टर को घोस्ट के साथ में मिला हुआ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी हैरानी होती है और तब वो पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारी मदद ही क्यों की और अगर मदद भी करी तो तुम घोस्ट के साथ में मिले हुए क्यों हो। तब वहाँ पर बिल फॉस्टर एक फ्लैशबैक स्टोरी बताता है और वो कहता है कि हैम्पिंग जो कि पहले शीट के लिए काम किया करता था उसके साथ में उसका एक पार्टनर और था जिसका नाम था एलिस्टा। हालांकि एलिस्टा हर बार हैम्पिंग की मदद ही करना चाहता था लेकिन तब हैम्पिंग कहता है कि एलिस्टा एक चोर था और वो मेरे आइडियाज़ को चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसे काम से निकाल दिया। तब वहाँ पर बिल फॉस्टर कहता है कि एलिस्टा को हैम्पिंग के द्वारा निकालने के बाद में एलिस्टा के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, वो भी अब इस पूरी क्वांटम फील्ड के ऊपर काम कर अपना एक नया सूट बनाना चाहता था
इसी के चलते मैं भी उसी के साथ में काम किया करता था। लेकिन एक दिन लैब में काम करते करते कुछ फॉर्मूला में कॉर्ड्स की गलती हो जाने की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी लोग मारे जाते हैं और अंत में सिर्फ और सिर्फ बचती है तो वो होती है ईवा, जो कि अब जाकर घोस्ट बन गई है। ईवा के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी होती है उन सभी क्वांटम फील्ड से निकली हुई किरणों की वजह से। अब उसे एक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डिस्क इक्विलिब्रिया। इस बीमारी के तहत हम किसी भी चीज़ के आर पार निकल जाते हैं, हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो कि नसों को पिघला देने वाला दर्द देती है हर पल हर समय हर वक्त। इसी की वजह से अब ईवा अपने इस दुख दर्द को दूर करने के लिए क्वांटम फील्ड में जाकर अपने शरीर को ठीक करना चाहती है, और यही रीज़न था कि इसने तुमसे इस लैब को चुराया था। उस बड़े से ब्लास्ट के चलते वहाँ पर ईवा ने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके अलावा अब उस की लाइफ में अब और कुछ भी नहीं बचा था। अब क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी जो कि थी मॉलिक्यूलर डिस्क इक्विलिब्रिया। अब उस बीमारी के अंदर उसका कोई भी साथ नहीं दे पा रहा था। तभी वहाँ पर शील्ड के कुछ लोग एक प्रोफेसर को हायर करते हैं और वो प्रोफेसर और कोई नहीं होते, वो होते हैं बिल फॉस्टर। बिल फॉस्टर ही अब ईवा को सपोर्ट करते हैं और उसे किस तरीके से चीज़ों को छूना है, किस तरीके से उन्हें उठाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, उसके बारे में उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद में अब ईवा शील्ड के लिए ही काम करना शुरू कर देती है और साथ ही शील्ड अब ईवा को एक नया कॉस्ट्यूम देती है, उसे नए वेपन्स देती है और उसे लड़ने की काफ़ी सारी स्किल्स और टेक्निक सिखाती है ताकि वो शील्ड के लिए काम करे और उनके कुछ मिशंस को फुलफिल करे। अब लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों का खून कर दिया था और जब सकोविया अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शील्ड को बंद कर दिया गया तो वहाँ से बिल फॉस्टर ईवा को अपने साथ में लेकर निकल गए और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो क्वांटम फील्ड की शक्तियों के साथ में ईवा की इस पुरानी बीमारी को फिर से ठीक कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हैम्पिंग अपना दिमाग यूज़ करता है और वहाँ से ये तीनों कैसे तैसे करके एस्केप हो जाते हैं और वहीं से एस्केप होने के बाद में ये एक जंगल में जाकर फिर से अपनी लैब को बड़ा करके वहाँ से जैनेट को पाने की कोशिश करते हैं और वो फिर से एक बार उस पूरे कंट्रोलर डिवाइस के साथ में उस मशीन को ऑन कर ही देते हैं और वापस से मशीन को चालू कर वहाँ से जैनेट की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है फिर से वहाँ पर क्वांटम रियाम के अकॉर्डिंग जैनेट और साथ ही स्कॉटलिंग के माइंड्स एक हो जाते हैं और जैसे ही दोनों एक होते हैं तब वहाँ पर स्कॉट बिल्कुल जैनेट की तरह ही बिहेव करने लगता है और वो वहाँ पर आकर हैम्पिंग और साथ ही वैन होप को ये बताने लगता है कि तुमने कोड्स गलत डाले हैं जिसकी वजह से तुम मेरी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे। और थोड़ी ही देर में वो सभी कोड्स को चेक करके उन्हें बिल्कुल करेक्ट कर देती है और एक फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास वाले सूट पहनकर मुझे बर्बाद कर देंगे तो क्यों ना मैं इसमें एफबीआई का सपोर्ट लूँ। और वो वहाँ पर अपने खास एक आदमी को फ़ोन कर ये बताता है कि मुझे हैंगपिंग और साथ ही होप वेन की लोकेशन का पता लग गया है, तुम अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँच जाओ और उन दोनों को अरेस्ट कर लो। और साथ ही ऐसा ही होता है, थोड़ी ही देर में उस जंगल की लोकेशन पर एफबीआई पहुंच जाती है और हैम्पिंग को और साथ ही होप वैन को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देती है। इसकी वजह से उन्हें अपना वो काम छोड़ना पड़ता है और पुलिस के साथ जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर में अब क्योंकि वहाँ पर स्कॉटलैंड भी घर से निकल ही चुका होता है तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और हैम्पिंग और साथ ही होप को वहाँ से निकाल लेता है। उनके पास में अब सिर्फ और सिर्फ एक घंटा बचा होता है लेकिन इस एक घंटे में भी घोस्ट वहाँ पर पहुँच जाती है और उस लैब को वहाँ से लेकर भागने लगती है। इस मोमेंट पर वहाँ पर एंटमैन फिर से आ जाता है और उस लैब को अपने पास में लेने की कोशिश करता है ताकि हैम्पिंग उसके अंदर जा सकें और साथ ही जैनेट को फिर से बाहर लेकर आ सकें। इसी भागम भाग में एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हैम्पिंग अपने हेलीकॉप्टर जैसे बनाए गए एक डिवाइस के अंदर बैठ जाते हैं और सीधा उस मशीन को ऑन कर पहुँच जाते हैं क्वांटम फील्ड में जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं। वो डायमेंशन वो दुनिया देखने में बिल्कुल अलग सी लग रही थी और वहाँ पर हैम्पिंग अब अपनी मशीन को ऑन कर जैनेट की सही लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि वो लैब भी अब काफ़ी छोटी हो चुकी है और घोस्ट उस लैब को लेकर भाग रही है क्योंकि उसे अपनी उस बीमारी को ठीक करना है क्योंकि अब उसके पास में सिर्फ एक दो ही हफ्ते हैं जिनमें वो जिंदा रह सकती है। अगर उसने अपनी इस बीमारी को ठीक नहीं किया
तो वो आने वाले एक दो हफ्तों में मर जाएगी। इसी चक्कर के अंदर वो उस लैब को चुरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दूसरी ओर वहाँ पर उस लैब को पाने के लिए सनी बुज भी उसके पीछे पड़ा होता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सनी बुज उस पूरी लैब को वहाँ से लेकर इस शहर से दूर भागने के लिए एक शिप के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर हमारे एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग भी पहुँच जाते हैं और वो इस बार अपना साइज अप्रॉक्स 95 to 100 feet कर लेता है और तैरता तैरता उस पूरे शिप के पास में पहुँच जाता है और सनी बुज से वो लैब अपने पास में ले लेता है और सीधा वहाँ पर बंदरगाह की ओर उस लैब को फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैम्पिंग को फाइनली जैनेट मिल गई होती है और वो जैनेट को अपने उसी हेलीकॉप्टर वाली मशीन के अंदर बिठाकर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अब होप वैन भी उस रिमोट कंट्रोल के साथ में लैब को अपने ओरिजिनल साइज में लेकर आ जाती है, जिसकी मदद से अब फाइनली हैम्पिंग और जैनेट उस पूरी लैब से क्वांटम फील्ड के द्वारा अब बाहर आने वाले होते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि घोस्ट भी वहीं पर होती है, लेकिन तब वहाँ पर जैनेट कहती है घोस्ट को कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी दर्द से गुजरी हूँ। और वो अपना हाथ जैसे ही ईवा के सर पर रखती है तो वो अपनी घोस्ट वाली पावर से वापस से नॉर्मल इंसान में बदल जाती है, यानी कि अब उसे उस बीमारी से छुटकारा मिल गया होता है। लेकिन क्योंकि अभी तक पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा होता है तो वो उन सभी के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन तब वहाँ पर स्कॉट अपना दिमाग यूज़ करता है और वो अपना सूट खोल कर उसे 100 feet तक बड़ा कर कर एक बिल्डिंग के पीछे छिपा देता है, जिससे पुलिस को ये लगने लगता है कि वो सभी उस बिल्डिंग के पीछे छिपे होते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर कहीं और भाग जाते हैं। और फिर से स्कॉट अपने सूट को चींटी जितना बनाकर उस जगह से निकाल लेता है और फाइनली अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर होते हैं और FBI को ये लगने लगता है कि स्कॉट अभी तक अपने घर में है और उसने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं हाउस अरेस्ट के साथ में। और इसी के साथ में एक हैप्पी एंडिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जैनेट और साथ ही हैम्पिंग एक किसी बीच पर एक शानदार घर के अंदर रहने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब होप और साथ ही स्कॉट के बीच में भी दूरियां कम हो गई है और अब वो कैसी के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार है। और वहीं दूसरी ओर लुईस और उनके साथियों को एक और नया प्रोजेक्ट मिल गया होता है क्योंकि उन्होंने कैमरा और CCTV इंस्टॉलेशन की एक नई कंपनी खोली थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हैम्पिंग, जैनेट, होप और साथ ही स्कॉट मिलकर क्वांटम फील्ड से कुछ पिम पार्टिकल्स लाना चाहते हैं क्योंकि पिम पार्टिकल्स में ही वो शक्ति है जो कि हमें टाइम ट्रेवल करवा सकती है, हमें किसी और डायमेंशन में भेज सकती है ताकि हम इस पूरी दुनिया को अगर खतरे में हो तभी भी किसी और डायमेंशन में जाकर उसे बचा सकते हैं। और जब वो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कर ही रहे होते हैं लेकिन दूसरी ओर थैनोस अपनी चुटकी बजा देता है। अगर गाइज देखा जाए तो इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स और साथ ही एंटमैन एंड द वास्प इवेंट्स दोनों सिमिलरली पैरेलल चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक मोमेंट पर जहां पर थैनोस ने चुटकी बजाई वहीं दूसरे मोमेंट पे यहां पर हैम्पिंग, होपमैन और साथ ही जैनेट पूरी की पूरी तरीके से धूल में बिखर चुके होते हैं। अब क्योंकि स्कॉट उस क्वांटम फील्ड में होता है, एक अलग ही डायमेंशन में होता है, तो उसका उन पर कुछ भी असर नहीं होता। इसी की वजह से वहां पर स्कॉट तो बच जाता है लेकिन वो तीनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब फाइनली पूरा का पूरा गैलेक्सी आधी जनसंख्या में बढ़ चुका है। कैसे आएंगे वापस सारे लोग और कैसे आएगा स्कॉटलैंड फिर से क्वांटम फील्ड से बाहर, इस सारी कहानी का खुलासा होगा हमें इसके अगले पार्ट में, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में। सो गाइज ये वीडियो कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म होता है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं अपने चैनल पर कैप्टन मार्वल जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।